हेलो फ्रेंड्स, राकेटो की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल सा एक मोबाइल फोन स्टैंड का इंस्टॉलेशन देखेंगे, किस तरह से इंस्टॉल होता है और क्या क्या को टूल चाहिए होता है इसके लिए, इसकी प्राइस की बात करेंगे। तो देख सकते हमारे पास जो है ब्लैक कलर में मोबाइल फोन स्टैंड, जो बेसिकली जो राइडर लोग होते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि राइड करते समय जो है फोन जो है ईजिली आप देख पाएं, और मैप के लिए भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग जो है मैप लगा के और इसके अंदर चलते हैं बाइकों पर। तो काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, काफ़ी लोग यूज़ करते भी होंगे। तो आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप किस तरीके से इसको खुद से अपनी बाइक में फिट कर सकते हैं, क्या इसके लिए टूल लगेगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, शुरू से एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होगा बेसिकली तो ये हमारे पास है स्टैंड, और इसके लिए जो है टूल जो लगने वाला है, हम टूल ले लेंगे इसको ओपन करने के लिए स्क्रू को। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रू लगा गया है, ये एलेंकी स्क्रू है, एलेंकी। अब इसको जो हम यहाँ से जो है एक टूल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास टूल रखा गया है, टूल ले लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स में जो है टूल है, यहाँ देख सकते हैं लिखा गया एलेंकी सेट। तो इसके अंदर से जो हम इसके हिसाब से जो है ले लेंगे टूल। देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी सारे नंबर लिखे रहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 10, 8, 6। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है चार नंबर लगेगा, तो चार नंबर एक बार निकाल के देखते हैं। पहले इसके अंदर जो है ये ट्राई कर लेते हैं कैसे टाइट होता है या खुलता है। तो देख सकते हैं चार नंबर जो है इसके अंदर लग गया है। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे स्क्रू को, काफ़ी ईजी है। आपको इस तरह का जो है चार नंबर का एलेन की लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है टपाड़िया 4 mm, तो 4 mm का आपको एलन की लेना है। इससे जो स्क्रू इसके ओपन हो जाएंगे यहाँ से, काफ़ी इजी है इसको फिट करना। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और दूसरे वाले को भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको जो ओपन करके आप खुद फिट कर सकते हैं, आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है, थोड़ा सा टाइट होने के कारण जो है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा खुलने में, मैं इसको खोल लेता है एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ से खुल चुका है। अब इसको चलते हैं बाइक पे और बाइक पे इसको इंस्टॉल करते हैं प्रोडक्ट से। तो इसके हैंडल पे जो है ये इस तरीके से इंस्टॉल होता है। तो देख सकते हैं हैंडल पे जो है इस तरीके से इसको जो है लगाना है आपको। मैं एक हाथ से लगा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एक हाथ से जो है कैमरा भी चला रहे हैं। तो इसको जो है यहाँ से वायरिंग को देख के यहाँ से फिक्स कर लेंगे इसको। नीचे जो है वायरिंग भी लगा रहता है इसके नीचे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वायर को आपको ध्यान रखना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग भी लगा रहता है, देख सकते हैं। इस वायर को जो साइड कर देंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं वायरिंग हमने साइड कर दिया है। अभी इसके अंदर आ गया यहाँ पे, अब इसको सिंपली यहाँ से हम टाइट करेंगे। तो इसके अंदर दूसरा भी स्क्रू जो है यहाँ पे लगा लेंगे हम, थोड़ा सा दिक्कत होगा लगाने में क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह कम होता है, वायर भी है, वायर भी देखना होता है। दूसरे स्क्रू को भी यहाँ से हम टाइट कर लेंगे इसके अंदर, उसके बाद हम एलेन की मदद से जो है इसको टाइट करेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं एलेन की मदद से यहाँ से टाइट कर देंगे इसको, इस तरीके से टाइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने फाइनली इसको जो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है ये स्क्रू जो है, दोनों टाइट हो चुके हैं। तो इसके जो हम चार नंबर का एलेंकी जो है हम यूज़ किए थे, और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे हम इसको ओपन भी कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के हिसाब से, एडजस्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको जितना भी ओपन करेंगे तो मोबाइल फ़ोन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये, देख सकते हैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बड़े फ़ोन का जो है साइज़ जो है बन जाता है इजीली, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल के हिसाब से बना रहता है ये, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का। और इसको स्क्रू को यहाँ से टाइट भी कर सकते हैं, और साथ ही आपको इसके अंदर एक सॉकर देखने को मिलता है, जिससे क्या है आप इसके अपने हिसाब से जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको हल्का सा उठा के इस तरीके से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, भाई हिलेगा नहीं यहाँ से। और इसको नीचे की तरफ से ऐसे उठाएंगे और इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं इसके नीचे जो है यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, जिसकी वजह से मूव होकर अलग अलग डायरेक्शन पर चेंज हो जाता है। देख सकते हैं ये जो यहाँ पर सेट हो जाता है।